तो गाइज यार, आज की स्ट्रीम में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैपकट ऐप पर इस तरीके की अपनी खुद की कोई भी पोइट्री या किसी भी सॉन्ग की लिरिक्स आप कैसे क्रिएट कर सकते हो। तो इस वीडियो में गाइज मैं आपको एक ट्रिक बताने वाला हूँ जिसकी मदद से जो है आप इजीली यहाँ पर उर्दू शायरी या अपनी कोई भी सॉन्ग की लिरिक्स वगैरह लिख सकते हो खुद से कैपकट ऐप पर। और अभी गाइज यहाँ पर देखिए, आपने सबसे पहले एक ऐप को डाउनलोड कर लेना जिसका नेम है पिक्सल ऐप, और ये ऐप आपको इजीली प्ले स्टोर से मिल जाता है, तो आपने इसको वहाँ से जाकर इंस्टॉल कर लेना है। तो अभी यहाँ से मैं इसको ओपन करता हूँ, और अभी यहाँ पर देखिए आपको कुछ इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिलता है। तो अभी यहाँ पर आपने नीचे की तरफ यहाँ पर क्लिक करना है, और उसके बाद यहाँ पर भी आपने कलर के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पर देखिए आपको काफी सारे कलर्स देखने को मिल जाते हैं, तो अभी यहाँ पर आपने कलर के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको काफी सारे कलर्स देखने को मिल जाते हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको जो भी अच्छा लगता है कलर वो आपने यहाँ से कलर सेलेक्ट कर लेना है। और अभी जैसे कि मैं ऐसे ये वाला कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ, और अभी यहाँ से आपने इसको कर देना है डन। तो अभी यहाँ पर बारी जाती है टेक्स्ट लिखने की, तो अभी यहाँ पर आपने टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है, और यहाँ पर आपने एडिट के ऊपर क्लिक कर देना है। और अभी यहाँ पर आपको एक कीबोर्ड की ज़रूरत पड़ने वाली है। यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर आपने जाना है, ये वाला कीबोर्ड डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पर मैं आपको इसका नेम भी बता देता हूँ, यहाँ पर देखिए ईजी उर्दू इस कीबोर्ड का नेम है, और ये ऐप भी आपको इजीली प्ले स्टोर से मिल जाता है, तो आपने इसको वहाँ से जाकर इंस्टॉल कर लेना है। तो आपने इसको अनेबल कैसे करना है, तो इसको ओपन करने के बाद यहाँ नीचे देखिए आपने सेलेक्ट ईजी उर्दू के ऊपर क्लिक करना है, और यहाँ पर आपने ईजी उर्दू कीबोर्ड के ऊपर क्लिक कर देना है। तो अभी गाइस ये वाला जो कीबोर्ड है आपका अनेबल हो जाता है। तो अभी यहाँ पर आपने वापस से चले जाना है पिक्सल ऐप पर। तो इसको ओपन करने के बाद अभी यहाँ पर देखिए जो आपका कीबोर्ड का इंटरफेस है वो यहाँ पर इस तरीके से चेंज हो जाता है। तो अभी यहाँ से आपने इसको अनेबल कर देना है, और अभी यहाँ पर आप जो कुछ भी यहाँ पर टाइप करोगे, यहाँ पर आप अपनी सॉन्ग की लिरिक्स वगैरह लिखना चाहते हो या आप अपनी कोई पोइट्री वगैरह लिखना चाहते हो, तो यहाँ पर आपने इस तरीके से लिखते जाना, और जब आप स्पेस दोगे तो वो यहाँ पर आपकी उर्दू में लाइन्स इस तरीके से कन्वर्ट होती जाएंगी। तो अभी यहाँ पर मैं आप लोगों को जस्ट समझाने के लिए यहाँ पर एक सॉन्ग की यहाँ पर लिरिक्स लिखने लगा हूँ। यहाँ पर देखे हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तो उसके बाद यहाँ पर आपने कोई सैम्पल भी इसके साथ यहाँ पर ऐड कर देना अपनी इस लिरिक्स के साथ। इससे क्या होगा कि यहाँ पर जो आपकी लाइन्स है वो और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव आपको देखने में लगेगी। और अभी यहाँ पर देखे आपने इसको इस तरीके से एडजस्ट कर देना अपनी यहाँ पर स्क्रीन पर। तो अभी यहाँ पर मैं इसको यहाँ पर एडजस्ट कर देता हूँ, और अभी यहाँ पर बारी जाती है, यहाँ पर अभी आप देख रहे होंगे यहाँ पर जो उर्दू का खाता है वो यहाँ पर हमें एक रेगुलर जो उर्दू का खाता है उसमें यहाँ पर हमें फॉन्ट देखने को नहीं मिल रहा। तो अभी यहाँ पर आपने फॉन्ट पर चले जाना है, और फॉन्ट पर जाने के बाद अभी यहाँ पर आपने चले जाना है माय फॉन्ट पर। तो अभी गाइस यहाँ पर देखे मैंने टू फॉन्ट्स यहाँ पर डाउनलोड करके रखे हुए हैं यहाँ पर उर्दू वाली लिरिक्स को चेंज करने के लिए। तो यहाँ पर देखे एक है समीर सागर नस्तालिक बोल्ड, ये भी मेरा फेवरेट है, और यहाँ पर दूसरा है अल कलम अलवी, तो ये दोनों मेरे फेवरेट हैं। तो अभी यहाँ से मैं ए समीर सागर नस्तालिक बोल्ड वाला यहाँ से यूज़ करूँगा, क्योंकि ये वाला जो फॉन्ट है मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट है। और आपने इस फॉन्ट को कैसे और कहाँ से डाउनलोड करना है तो इसका सारा प्रोसेस मैं आपको वीडियो के लास्ट में बता दूंगा। तो अभी यहाँ पर आपने वीडियो को ध्यान से वॉच करना है, और अभी यहाँ पर आपने इस लिरिक्स के ऊपर एक और काम करना। तो अभी यहाँ पर आपने इस फर्स्ट वाली लाइन के ऊपर क्लिक करना जो भी आपने क्रिएट किया, और उसके बाद यहाँ पर अभी आपने चले जाना है स्ट्रोक पर। तो यहाँ से आपने इसको स्ट्रोक इस पर लाजमी से अप्लाई करना है, इससे क्या होगा कि यहाँ पर जो आपका खत है वो और भी आपको अट्रैक्टिव देखने में लगेगा। तो अभी यहाँ पर बारी जाते हैं सेकंड लाइन क्रिएट करने की। तो अभी यहाँ पर सबसे पहले आपने इसकी कॉपी क्रिएट कर लेनी है, इसकी यहाँ पर इस तरीके से कॉपी क्रिएट करने के बाद यहाँ पर आपने एडिट के ऊपर क्लिक कर देना। तो यहाँ नीचे की तरफ देखे आपने एडिट के ऊपर क्लिक करना है, और अब ये जो आपकी सॉन्ग की फर्स्ट वाली लाइन थी आपने इसको यहाँ से इरेज कर देना है। और अभी यहाँ पर जो आपकी सॉन्ग की या अब आपकी शायरी की जो भी आप यहाँ पर लिख रहे हो, जो भी आपकी सेकंड लाइन बनती है वो यहाँ पर अब आपने लिख देनी है। तो अभी यहाँ पर मैं सॉन्ग की लाइन यहाँ पर लिख रहा था, हम तेरे बिना अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा, तो ये हमारे सॉन्ग की सेकंड लाइन है। तो इस तरीके से यहाँ पर अब आपने इसको चेंज कर देना है अपनी लाइन को। और इसके अलावा गाइस यहाँ पर अगर आप अपनी लाइन को और भी ज़्यादा एडिट यानी कि इसको और भी ज़्यादा क्रिएटिव बनाना चाहते हैं, तो अभी यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ पर अभी आपने किसी भी लाइन के ऊपर क्लिक करना है, और उसके बाद यहाँ पर अभी आपने कलर पर आना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए आप अपनी इस लिरिक्स का कलर वगैरह भी चेंज कर सकते हो, तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारे कलर देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ से आप जो भी अपनी लिरिक्स को कलर वगैरह देना चाहते हो यहाँ से आप ईजिली दे सकते हो। तो अभी यहाँ पर देखिए येलो कलर दिया मैंने, और काफ़ी अच्छे यहाँ पर देखने को लगता है ये वाला कलर। और इसके अलावा अगर आप यहाँ पर अपनी लिरिक्स पर और भी कोई बैकग्राउंड वगैरह ऐड करना चाहते हो तो यहाँ पर आपने बैकग्राउंड पर आना है, और यहाँ से आपने इसको अनेबल करना है। और यहाँ पर आपको बैकग्राउंड कलर के लिए भी काफ़ी सारे कलर्स देखने को मिल जाते हैं, और भी यहाँ पर आपको काफ़ी सारे सेटिंग्स देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ से आप अपनी लिरिक्स को या आप अपने बैकग्राउंड को यहाँ पर अच्छे तरीके से एडिट कर सकते हो। और अभी यहाँ पर यानी कि आपको और भी काफ़ी अच्छे अच्छे यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर 3D ऑप्शन भी मिलता है, तो यहाँ से आपने इसको अनेबल करना है। इस तरीके से यहाँ पर आप अपनी लिरिक्स को 3D में भी कन्वर्ट कर सकते हो, और यहाँ पर आपको शेडो भी मिलता है स्ट्रोक, यानी कि आपको और भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। यहाँ से आप अपनी लिरिक्स को और भी ज़्यादा क्रिएटिव बना सकते हो। तो अभी यहाँ पर मैं इसको कुछ भी यहाँ पर अप्लाई नहीं करने वाला, इसको भी यहाँ पर मैं सिंपली रखूँगा। और अभी गाइस यहाँ पर जो आपने लाइंस को क्रिएट किया है, तो अभी यहाँ पर आपने इसको कन्वर्ट करना है PNG में, यानी कि ट्रांसपेरेंट में। यहाँ पर आपने इसको डाउनलोड करना है अपनी गैलरी पर। तो अभी यहाँ पर आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, और यहाँ पर देखिए आपने ट्रांसपेरेंट के ऊपर क्लिक कर देना है, और अभी यहाँ पर आपने इसको सेव कर लेना है अपनी गैलरी पर। तो यहाँ पर आपने सेव एज इमेज के ऊपर क्लिक करना है, और यहाँ पर आपने डिफॉल्ट पर आना है, और यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ
पर आपने अल्ट्रा पर क्लिक करना और यहाँ पर सेव टू गैलरी के ऊपर क्लिक कर देना है और ये जो इमेज है ठीक है ट्रांसपेरेंट में आपकी गैलरी पर सेव हो जाती है। और अभी यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ पर अब आपने कैपकट ऐप को ओपन कर लेना है और यहाँ पर न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करना है और सबसे पहले आपने अपने लिए कोई भी अपनी वीडियो के लिए कोई भी एक बैकग्राउंड वाली वीडियो सेलेक्ट कर लेनी है। तो अभी यहाँ पर देखें मैंने कुछ इस टाइप की वाली वीडियो सेलेक्ट कर ली अपनी गैलरी से। और अभी यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने चले जाना है फॉर्मेट पर ठीक है, तो उसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर देखिए आपको काफ़ी सारे फ्रेम रेट्स यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। तो अभी यहाँ से मैं 4:3 यहाँ से रेशो सेलेक्ट करूँगा। तो यहाँ पर आपकी मर्जी है, यहाँ से आप जो भी सिलेक्ट करना चाहते हो यहाँ से इजीली सिलेक्ट कर सकते हो। तो आप लोगों को समझाने के लिए यहाँ पर जस्ट मैंने ये वाला रेशो सेलेक्ट किया है। और अभी यहाँ पर आपने किस तरीके से यहाँ पर जो हमने लाइंस क्रिएट की थी पिक्सल ऐप पर वो यहाँ पर अब आपने कैसे ऐड करनी है, तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए लास्ट में आपको इस ऐप का वाटरमार्क देखने को मिलता है तो आपने इसको यहाँ से डिलीट कर देना है। और यहाँ पर वीडियो का लेंथ भी काफ़ी ज़्यादा लंबा है तो अब आपने इस वीडियो को कैसे सबमिट करना है, तो यहाँ पर मैं इस वीडियो को 12 सेकंड तक रखूँगा और यहाँ पर जो आगे वाली एक्स्ट्रा वीडियो यहाँ से मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। और अभी यहाँ पर हम बात करते हैं कि यहाँ पर आपने किस तरीके से अपनी लाइंस यहाँ पर ऐड करनी है। तो अभी यहाँ नीचे देखिए आपने क्या करना है, यहाँ पर देखिए आपको ओवरले का ऑप्शन देखने को मिल जाता है नीचे की तरफ, तो यहाँ पर आपने ओवरले के ऊपर क्लिक करना और यहाँ पर ऐड ओवरले के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए जो अभी आपने पिक्चर एडिट की थी पिक्सल लैब ऐप पर तो वो आपने यहाँ से सिलेक्ट करनी है। और यहाँ पर ऐड करने के बाद यहाँ पर देखिए आपकी दोनों लाइन्स यहाँ पर आ जाती है। तो अभी यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ पर चले जाना है आपने एडिट पर और यहाँ पर जो आपकी फर्स्ट वाली लाइन है यहाँ पर सिंपली आपने उसी को यहाँ पर क्रॉप करना है। तो अभी यहाँ पर देखिए जो फर्स्ट वाली लाइन है यहाँ पर मैं इसको इस तरीके से क्रॉप कर लेता हूँ। यहाँ पर आप जितनी भी लाइन्स ऐड करोगे तो यहाँ पर आपने सभी को बारी बारी से इस तरीके से क्रॉप करना है और यहाँ पर इस तरीके से ऐड करते जाना है। तो अभी यहाँ पर मैं इसको इस तरीके से यहाँ पर एडजस्ट कर देता हूँ और उसके बाद यहाँ पर जितनी भी यहाँ पर आपकी वीडियो की लेंथ है तो आपने इसको उसी हिसाब से यहाँ पर अप्लाई कर देना। यहाँ पर देखिए मैं इसको इस तरीके से अप्लाई कर देता हूँ और अभी यहाँ पर बारी आ जाती है इस लाइंस को एनिमेशन देने की। तो अभी यहाँ पर आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर एनिमेशन के ऊपर जाना है। तो यहाँ पर आप कॉम्बो से भी दे सकते हो लेकिन अभी यहाँ पर मैं इनके ऊपर क्लिक करूँगा। तो इनके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए आपको काफ़ी सारे यहाँ पर शेक इफेक्ट्स भी देखने को मिलते हैं। तो अभी गाइस यहाँ से जो भी आप एनिमेशन या शेक इफेक्ट ऐड करना चाहते हो अपनी लाइन पर यहाँ पर आप इजीली ऐड कर सकते हो। यहाँ पर आपको काफ़ी सारे शेक इफेक्ट्स देखने को मिल जाते हैं। तो अभी यहाँ पर जो मैं आपको रिकमेंड करूँगा वो यहाँ पर आपने फेड इन को यहाँ पर यूज़ करना अपनी इस लाइन्स पर, तो ये जो है काफ़ी अच्छा एनिमेशन रहेगा ठीक है। तो उसके बाद यहाँ से आपने इसका जो टाइम ड्यूरेशन है एनिमेशन का यहाँ से आपने 4 सेकंड तक रखना है ठीक है। तो अभी यहाँ से मैं इसको डन कर देता हूँ और यहाँ पर हमारी इस लाइन के ऊपर एनिमेशन भी ऐड हो जाता है। और अब यहाँ पर बारी जाती है सेकंड लाइन को ऐड करने की, तो यहाँ पर फिर से आपने ऐड ओवरले के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर आपने फिर से उसी पिक्चर के ऊपर क्लिक करना जो हमने पिक्सल ऐप पर एडिट की थी और उसके बाद फिर से यहाँ से आपने एडिट पर चले जाना है ठीक है। तो अभी यहाँ पर मैं चले जाता हूँ एडिट पर। एडिट पर जाने के बाद यहाँ से आपने क्रॉप के ऊपर क्लिक करना है। फर्स्ट वाली लाइन को हमने यहाँ पर क्रॉप कर लिया था और अब यहाँ पर बारी आ जाती है सेकंड वाली लाइन को क्रॉप करने की। तो सेम आपने इसी तरीके से यहाँ पर अब आपने सेकंड वाली लाइन को क्रॉप करना है और जहाँ पर भी आप इसको बड़ा या छोटा या जहाँ पर भी आप अपनी वीडियो पर एडजस्ट करना चाहते हो वहाँ पर आप इसको इजीली एडजस्ट कर सकते हो। और फिर से यहाँ पर आपने क्या करना है, इसको कंप्लीट वीडियो पर अप्लाई कर देना है यहाँ से इस तरीके से। तो अभी यहाँ पर मैं इस तरीके से इसको कम्प्लीट वीडियो पर अप्लाई कर दिया है। और अभी गाइस यहाँ पर जो हमने लाइन्स यहाँ पर ऐड किए हैं कैपकट ऐप पर, तो अभी यहाँ से मैं इनका साइज़ थोड़ा सा स्मॉल कर लेता हूँ। इससे क्या हुआ कि यहाँ पर जो हमारी लाइन्स है वो यहाँ पर हमें और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव देखने को मिलेंगी। तो अभी यहाँ से मैं इनका साइज़ इस तरीके से थोड़ा सा स्मॉल कर लेता हूँ। और अभी यहाँ पर जो हमारी सेकंड वाली लाइन है, तो अभी यहाँ पर हमने इसके ऊपर कोई भी एनिमेशन वगैरह ऐड नहीं किया है, तो इसके ऊपर भी अभी यहाँ पर मैं एनिमेशन ऐड करूँगा। तो यहाँ पर देखिए आपने सेकंड वाली लाइन के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर नीचे से आपने फिर से एनिमेशन के ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पर आपने इनके ऊपर क्लिक करना है और अभी यहाँ पर आपने फिर इनके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से आपने इसका एनिमेशन का टाइम ड्यूरेशन 4 सेकंड या 3.8 सेकंड तक सेट कर लेना है। तो अभी यहाँ पर मैं आपको प्ले भी कर दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए जो एनिमेशन है वो इस तरीके से हमारी लाइन्स पर वर्क करता है और देखने में यानी कि जो लाइन्स की स्टार्टिंग है वो यहाँ पर हमें काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है। और इसके अलावा अगर यहाँ पर आप अपनी इन लाइन्स के साथ अपना कोई भी इंस्टाग्राम का यूज़र नेम वगैरह मेंशन करना चाहते तो वो आपने कैसे करना है, तो अभी यहाँ पर मैं आपको वो भी बता देता हूँ। तो अभी यहाँ से मैं इसको बैक कर लेता हूँ और अभी यहाँ पर आपने चले जाना है टैक्स पर और उसके बाद अभी यहाँ पर आपने ऐड टैक्स के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर आपका इंस्टा का जो भी यूज़र नेम है वो यहाँ पर आपने मेंशन कर देना है। तो अभी जैसे कि यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इंस्टा और यहाँ पर इस तरीके से अभी यहाँ पर आपका जो भी इंस्टा का यूज़र नेम है वो यहाँ पर आपने मेंशन कर देना है। तो अभी जैसे कि यहाँ पर मैं अपना इंस्टा का यूज़र नेम लिखने लगा हूँ इमरान जैन 89 ठीक है, तो ये मेरा इंस्टा का यूज़र नेम है। तो अगर आपके साथ कोई भी इशू क्रिएट होता है ये वाली वीडियो बनाते हुए तो आप मुझसे इंस्टा पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो इसके अलावा यहाँ पर देखिए आपने स्टाइल पर जाना, तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारे फॉन्ट्स देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ से आप जो भी फॉन्ट लगाना चाहते हो अपने इस लाइन्स पर वो यहाँ पर आप इजीली अप्लाई कर सकते हो। तो अभी यहाँ से मैं बोल्ड वाला फॉन्ट यूज़ करूँगा, तो ये जो है काफ़ी अच्छा है।
और अब यहाँ से मैं इसको इस तरीके से थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। और अब यहाँ से इसको डन करने के बाद अब यहाँ पर देखिए आपने इसको अपनी कंप्लीट वीडियो के ऊपर अप्लाई कर देना है। तो इस तरीके से यहाँ पर आपने इसको ड्रैग करते हुए कंप्लीट वीडियो पर अप्लाई करना है। और अभी यहाँ पर मैं इसको अच्छे तरीके से एडजस्ट कर देता हूँ इन लाइंस के नीचे जो हमने यहाँ पर अपने सॉन्ग की लाइंस यहाँ पर क्रिएट की थी। तो आपने इसका साइज बिल्कुल संभाल ही रखना है, इस तरीके से यहाँ पर आपकी वीडियो और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव आपको देखने को मिलेगी। और अभी यहाँ पर मैंने इसको इस तरीके से यहाँ पर एडजस्ट कर दिया। और यहाँ पर स्टाइल पर जाना है और यहाँ पर आपने एनिमेशन पर जाना है और यहाँ पर आपने अपनी इस लाइन को भी यहाँ पर कोई अच्छा सा एनिमेशन ऐड कर देना है। तो यहाँ पर देखिए आपको काफ़ी सारे एनिमेशन देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ से आप जो भी एनिमेशन देना चाहते हो वो आप इजीली अपनी लाइंस को यहाँ से एनिमेशन दे सकते हो। तो यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छे अच्छे एनिमेशन देखने को मिल जाते हैं। और अभी यहाँ पर जो मेरे फेवरेट एनिमेशन है वो भी यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ और दिखा देता हूँ यहाँ पर देखें। तो अभी यहाँ पर देखें जो यहाँ पर एनिमेशन का टाइम ड्यूरेशन है वो यहाँ पर आपने 2.5 सेकंड तक ही यूज़ करना है। और अभी यहाँ पर देखें जो मेरा फेवरेट है वो यहाँ पर है वाइप राइट, ठीक है। तो आपने ये वाला एनिमेशन यूज़ करना अपनी स्लाइन पर। तो अभी यहाँ पर देखें एनिमेशन इस तरीके से वर्क करता है। तो इस तरीके से यानी कि आपका जो इंस्टा का यूज़र नेम है वो इस तरीके से यानी कि एनिमेशन होगा। तो ये देखिए काफ़ी अच्छा वर्क करता है। और अभी यहाँ पर अगर आप अपने इन लाइंस के साथ कोई भी यहाँ पर स्टिकर वगैरह ऐड करना चाहते हो तो यहाँ पर आपने फिर से एटैक्स के ऊपर क्लिक करना है। और अब यहाँ पर आपने एमओजी के ऊपर क्लिक करना है। तो अभी यहाँ से आपने 3 से 4 एमओजीज यहाँ पर ऐड कर देना है, जो भी यहाँ से आपको अच्छे लगते हैं यहाँ से आपने इस तरीके से ऐड करते जाना है। तो एक एमओजी मैं यहाँ से ये वाला ऐड कर लेता हूँ और इसके अलावा अब यहाँ पर नेक्स्ट चले जाते हैं कि अच्छा सा यहाँ से मैं एमओजी फाइंड आउट कर लेता हूँ। और अभी जैसे कि मैं फ़िलहाल यहाँ से ये वाला एक एमओजी ऐड कर देता हूँ और अभी यहाँ से आपने इसको कर देना है डन, ठीक है। तो उसके बाद अभी यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ पर इसका अभी यहाँ से आपने टाइम ड्यूरेशन इंक्रीज़ कर देना जितनी यहाँ पर आपकी वीडियो की लेंथ होगी। और अभी यहाँ से आपने इसका साइज़ थोड़ा सा इस तरीके से बड़ा करना है। इस तरीके से बड़ा करने के बाद अभी यहाँ पर जो आपकी लाइन्स है यहाँ पर आपने इनको इस तरीके से ऊपर की तरफ एडजस्ट कर देना है। तो अभी यहाँ पर आपने इनको भी यहाँ पर एनिमेशन देना है। तो अभी यहाँ पर आपने फिर से स्टाइल के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर एनिमेशन के ऊपर जाने के बाद यहाँ पर देखें ये वाला भी काफ़ी अच्छा एनिमेशन। और भी यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ जो अच्छे एनिमेशन है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए ये वाला भी काफ़ी अच्छा है। तो इसके अलावा यहाँ पर आपने इसका टाइम ड्यूरेशन थोड़ा सा बढ़ा देना है। तो अभी यहाँ पर देखिए जो एनिमेशन है वो इस तरीके से वर्क करता है। और अभी गाइस यहाँ पर जो हमारी वीडियो है फाइनली वो भी कंप्लीट हो जाती है। और यहाँ पर देखिए जो फाइनली रिजल्ट है वो यहाँ पर हमें कुछ इस टाइप का देखने को मिलता है। तो इस तरीके से यानी कि एक ट्रिक है यहाँ पर आप कैपकट ऐप पर अपनी खुद की लाइन्स भी यहाँ पर ऐड कर सकते हो। और अभी गाइस यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि आप समीर सागर नस्तालिक बोल्ड वाला फॉन्ट कैसे ऐड कर सकते हो पिक्सल लैब ऐप पर। तो अभी यहाँ पर आपने सबसे पहले गूगल को ओपन करना है और यहाँ पर आपने टाइप कर लेना है ए समीर सागर नस्तालिक बोल्ड फॉन्ट। और उसके बाद यहाँ पर जो आपको फर्स्ट लिंक देखने को मिलती है तो आपने इसके ऊपर सिंपली क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए आपको डाउनलोड का ऑप्शन देखने को मिल जाता है यहाँ पर। तो सिंपली आपने इस डाउनलोड के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से आपसे ये वेरीफाई करेगा कि आप रोबोट हो। तो आपने यहाँ पर क्लिक कर देना है आई एम नॉट ए रोबोट। तो यहाँ पर सिंपली ये फॉन्ट आपका डाउनलोड हो जाता है आपकी यहाँ पर फाइल्स पर। तो यहाँ पर आपने फाइल्स पर आना है और यहाँ पर आपने सर्च बार पर चले जाना है और यहाँ पर आपका जो भी फॉन्ट था वो यहाँ पर आपने टाइप कर लेना है। तो हमारा फॉन्ट था ए समीर सागर नस्तालिक बोल्ड। तो अभी गाइस यहाँ पर देखिए जो भी यहाँ पर का फॉन्ट होगा तो आपने इसके ऊपर फाइल्स के ऊपर क्लिक करना है और इसको यहाँ पर आपने जिप फाइल में कन्वर्ट कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने इसको ऑलरेडी से जिप फाइल में कन्वर्ट किया हुआ है। तो अगर आपने नहीं किया होगा तो यहाँ पर आपने एक्सट्रैक्ट ऑल के ऊपर क्लिक कर देना है और यहाँ पर जो आपका फॉन्ट होगा वो यहाँ पर जिप फाइल में कन्वर्ट हो जाता है। और उसके बाद गाइज अब यहाँ पर आप इस फॉन्ट को कहीं पर भी ऐड कर सकते हो। आप इसको यहाँ पर इनशॉट पर भी ऐड कर सकते हो, यहाँ पर आप इसको पिक्सल ऐप पर भी ऐड कर सकते हो। तो अभी यहाँ पर मैं आपको पिक्सल ऐप पर बता देता हूँ कि यहाँ पर आपने किस तरीके से ऐड करना है इसी फॉन्ट को। तो अभी यहाँ से मैंने पिक्सल ऐप को ओपन किया और यहाँ पर सबसे पहले मैं यहाँ पर कोई भी लाइन्स यहाँ पर टाइप कर लेता हूँ। तो यहाँ पर हमारे वही वाले सॉन्ग की यहाँ पर फर्स्ट लाइन मैं टाइप कर लेता हूँ, हम तेरे बिना रह नहीं सकते। तो इस तरीके से मैं इसको टाइप कर लेता हूँ और यहाँ से कोई सैम्पल वगैरह भी ऐड कर देता हूँ। और अभी यहाँ से मैं इसको ओके कर देता हूँ। तो अभी यहाँ पर देखे जो उर्दू का रेगुलर फॉन्ट है वो यहाँ पर हमें देखने को नहीं मिलता है। और यहाँ पर अभी आपने चले जाना है फॉन्ट पर, ठीक है। तो अभी यहाँ से आपने इसको इस तरीके से थोड़ा सा आगे की तरफ स्क्रॉल डाउन करना है। तो यहाँ पर आपने चले जाना है फॉन्ट पर। तो अभी यहाँ पर मैं फॉन्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ और उसके बाद यहाँ पर अभी आपने माय फॉन्ट के ऊपर क्लिक करना है। तो अभी यहाँ पर देखिए कोई भी फॉन्ट वगैरह ऐड नहीं है क्योंकि यहाँ पर मैंने डिलीट कर दिया था आप लोगों को समझाने के लिए। तो अभी यहाँ पर आपने कैसे ऐड करना है, तो अभी यहाँ पर आपने प्लस के बटन के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर आपने आ जाना है डाउनलोड पर, ठीक है। तो अभी यहाँ पर आपने डाउनलोड के ऊपर क्लिक करना है और ये ठहरा हमारे पास ए समीर सागर नस्तालिक बोल्ड वाला फॉन्ट। तो अभी आपने इसके ऊपर क्लिक करना है इस फाइल के ऊपर। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ से आपने फिर से दोबारा से इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से आपने इसको टिक कर देना जो हमने जिप फाइल में कन्वर्ट किया था। और उसके बाद यहाँ पर आपने यहाँ से इसको ऐड कर देना है। तो अभी यहाँ पर देखिए हमारे पास ऐड हो जाता है, हमारे फॉन्ट्स में आ जाता है ये वाला ये समीर सागर नस्तालिक बोल्ड फॉन्ट। तो गाइस अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल साबित हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।